हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्त, हम एप्टीट्यूड का सीरीज चला रहे थे जिसमें हम कंपनियों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस जो एप्टीट्यूड में पूछा जा रहा है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। उसी सीरीज में मेरे आज का जो हमारा कंपनी हमने चूज किया है जिसका एप्टीट्यूड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कग्निजेंट। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम कग्निजेंट के प्रीवियसली पूछे गए कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और टारगेट सिर्फ इतना है कि सर हर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सॉल्व होना ही चाहिए। मेन टारगेट यही है मेरे बच्चों कि हर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकें। अगर आप पुणे पीसीएमसी के आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो हमारा एप्टीट्यूड का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन, और अगर आप यहाँ से बाहर के हो तो ऑफलाइन ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है मेरे कोर्स का, वहां से ऐप इंस्टॉल करके, मेरे ऐप का नाम यही एप्टीट्यूड मैटर्स है, आप ऐप इंस्टॉल करके वहां से आप रिकॉर्डेड बैच परचेस कर सकते हो और किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। जो बच्चे पीसीएमसी पुणे आकुड़ी के आसपास के कॉलेज के हैं, आपको स्क्रोल हो रहा होगा, देखो नंबर और एड्रेस दोनों, आप उस पर कॉल करके बैचेस का डिटेल ले सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। टारगेट यही है कि कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा का होना नहीं चाहिए। आइए समझते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, एक को वैलिड वोट का 55% मिला, ठीक है। 20% वोट्स गॉट इनवैलिड, इनवैलिड हो गए 20%। एट द एंड ऑफ द डे When the total number of votes were counted, the total number was found to be 7500. मतलब जब काउंटिंग की गई तो 7500 वोट्स टोटल पता चले कि भाई 75 वोट्स डाले गए हैं। तो वॉट वॉज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द विनिंग कैंडिडेट गॉट, जीतने वाले को कितना वोट मिला। अब ध्यान से समझो, कहा गया है आपसे कि सर जो टोटल वोट है वो तो 7500 है। आपसे पहले ही बोल दिया गया कि सर जो टोटल वोट काउंट किए गए वो किए गए 7500। अब इसका 20%, इसका 20% मतलब 1500 वोट ऐसे हैं जो कि इनवैलिड हो गए, तो बचा कितना, 6000 वोट, और ये 6000 वोट वैलिड वोट बचा। उसके बाद कहा गया है भाई एक कैंडिडेट को मिला कितना, 55%, तो दूसरे को क्या बचेगा, 45%। तो मुझे बताइए इसमें विनिंग कैंडिडेट कौन है जिसको 55% मिला। तो 6000 का 55% आपको निकालना है, कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ करेंगे तो 3000 और 5% होगा 300, यानी आंसर आपको मिल जाएगा 3300। यही हमारा आंसर है, ध्यान से चेक कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। लेकिन लेकिन ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में तो नहीं है, रुक जाइए। तब मेरे ख्याल से ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाउंडेड टू बी 7500, तो 7500 मेरे ख्याल से ना ये वैलिड वोट है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 7500 का मुझे 55% निकालना है, तो भाई इसका 50% इसका आधा यानी 3750 होगा, लेकिन वो भी ऑप्शन में कहीं नहीं है। ओके, यानी ऑप्शन में गड़बड़ी है, 3300 इसका आंसर है, इसका आंसर है भाई 3300, ध्यान से चेक कर लीजिए 3300, ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन टाइप करने में गलत हो गया होगा, 3300 इसका आंसर है, ठीक है 3300। तो इसमें भी आप चेक करो कि आपको 30 सेकंड से ज्यादा का तो सर टाइम ही नहीं लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने बोला था कि किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड क्यों ना हो 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा नहीं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए और चेक कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखिए बोला गया है कि अ होल नंबर एन
विच व्हेन डिवाइड बाय 4 गिव्स रिमाइंडर 3। तो आप बताओ कौन सा ऐसा नंबर आप पहला ले सकते हो जिसको 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आया। तो मेरे दिमाग में देखो 4 पहला नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा, और 3 रिमाइंडर चाहिए मतलब उसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड कर दो मतलब 7। 7 ही वो नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, पहला वो नंबर। तो एन हमारा आ गया 7। ठीक है, आपसे वो बोला गया है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 4। तो अगर n की वैल्यू 7 है तो मुझे बताइए 2n कितना हो जाएगा। सर 14, 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 कैंसिल हो गए, रिमाइंडर कितना दे देगा बच्चों, 2 दे देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ध्यान से समझ लीजिए, अब देखिए कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत यह है कि खुद से तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए 40 से 45 दिन का हमारा बैच होता है जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के मिला के लगभग 30 टॉपिक लेते हैं। लेकिन ये 30 टॉपिक आपने कवर कर लिया तो किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत इजीली क्रैक हो जाता है। ये 30 टॉपिक ऐसे हैं जो यहीं से क्वेश्चन बनता है, लिमिटेड क्वेश्चन बनता है। किसी भी टॉपिक से 8 10 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाता है, उतना भी आपने कर लिया तो काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। राजू रामू एंड राजी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। देखिए ध्यान से समझिएगा, राजू और रामू और राजी, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये कर सकते हैं 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में। ठीक है मेरे बच्चों, अब कहा गया है कि डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटीज ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इफ राजू इज असिस्टेड बाई रामू, राजू किसको किसको असिस्ट कर रहा है, रामू एंड राजी ऑन एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन पे। हर तीसरे दिन का मतलब अब समझिएगा, सबसे पहला काम काम कितना है वो देखो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम होता है सर 60, मान लो टोटल वर्क है मेरे बच्चों 60, 60 वर्क ऐसे हैं जो कि करने हैं। राजू 20 दिन में करेगा यानी राजू एक दिन में करेगा 3 वर्क, रामू 30 दिन में यानी रामू करेगा 2 वर्क, राजी उसको 60 दिन में करेगा यानी राजी का एक दिन का वर्क क्या है 1। तो ये हमने क्या निकाला, पर डे का वर्क, राजू का रामू का और राजी का। अब आपसे कहा गया है कि हर तीसरे दिन पे राजू के साथ रामू और राजी ज्वाइन कर लेते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अच्छा क्या पैटर्न चल रहा है ध्यान से समझो, फर्स्ट डे पे रामू काम करेगा, एक दिन में करेगा 3 वर्क, ठीक है। सेकेंड डे पे फिर से राजू अकेला काम करेगा, 3 वर्क करेगा, लेकिन जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन में राजू को कौन असिस्ट कर रहा है, रामू और राजी, यानी तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं। तो भाई राजू 3 करेगा, रामू 2 करेगा, राजी 1 करेगा, यानी 3 2 5 1 6, तीसरे दिन 6 वर्क हो रहा है। क्या आप इस पैटर्न को पहचान रहे हो कि सर अगर मैं 3 3 दिन का पैटर्न पकड़ता हूं, ध्यान से समझिएगा, तो 3 3 दिन का पैटर्न अगर पकड़ता हूं तो 3 दिन में हो रहे हैं 3 3 6 6 12 वर्क, कितने हो रहे हैं भाई 3 दिन में हो रहा है 12 वर्क, आपको कितना वर्क करवाना है 60 वर्क। तो अगर 12 वर्क 3 दिन में हो रहा है तो मुझे बताइए 60 वर्क कितने दिन में होगा, ये कितने टाइम का रिलेशन बना रहा है सर, 5 टाइम का। तो 3 डेज को भी 5 टाइम का रिलेशन बना दो यानी आ जाएगा 15 डेज, यानी 15 दिन में, 15 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसके साथ घूमने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए तो ये भी क्वेश्चन मेरे बच्चों ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का है, बिल्कुल अच्छे से देख के समझ लीजिए, चेक कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है।
जनरल मेथड से जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हो इसको। देखो आपसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8, जब वो 8 से डिक्रीज कर दिया जाए, इज डिविजिबल बाय 21, 27, 33, 55। अप्रोच क्या है, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए, पहले सबसे पहले तो मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो कि 21, 27, 33 और 55 से डिविजिबल हो। ध्यान से समझिए, वो नंबर इससे डिविजिबल हो रहा है ना, तो पहले वो नंबर चाहिए जो 21, 27, 33, 55 से डिविजिबल हो। वो कौन सा नंबर हो सकता है? वो नंबर हो सकता है इनका एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम। और जब एलसीएम आ जाएगा तो ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जिसमें से हमने 8 माइनस किया था तब तो डिविजिबल हुआ था। यानी अगर ओरिजिनल नंबर तक पहुंचना पड़ेगा तो इसमें फिर से प्लस 8 करना पड़ेगा, तब हम जाके पहुंच जाएंगे उस नंबर पे जिस नंबर से 8 माइनस करने पे वो नंबर मिलता है जो इन सब से डिविजिबल हो। यानी टारगेट क्या है, इनका एलसीएम निकालना और उसमें 8 ऐड कर देना। अब ध्यान से समझो, एलसीएम कैसे आता है? जो हाईएस्ट कॉमन चीजें हैं 33, 55, 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जो डिविजिबल नहीं है उसको 21, 27 एज इट इज रखिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 5, ठीक है। अब कौन सा नंबर लेंगे जो डिविजिबल हो रहा है? सर अब 3 ले लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और ये हो गया 5। अब बताइए कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है? अब कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मतलब एलसीएम क्या होगा बच्चों? एलसीएम होगा कि जो कॉमन है 11 इंटू 3 और जो कॉमन नहीं है उसमें आ जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 5, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं भाई। ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 और 11 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, अच्छा ऐसे कर लो, 7 3 जा 21, 21 9 जा 9, 1 जा 9, 9 2 जा 18 इंटू 11 इंटू 5। और जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 189 को तो ये आ जाएगा 9, 1 जा 9, 9 8 17, 8 1 9, 9 1 10 का 0 और 1 1 2, यानी 2079 इंटू 5। अब देखो 2079 इंटू 5 ऑप्शन को मैच करते चलोगे भाई, कहीं से कुछ ऐसा नंबर निकल रहा है जो 2079 का डबल करने पे मिल जाए। 2079 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 कैरी आया 4, 5 7 जा 35 और 4 39 कैरी 3, 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 कैरी एज इट इज 3 चला जाएगा, 5 2 जा 10, यानी 10395 वो नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है। और इसमें भी प्लस 8 कर दो, अगर इसमें प्लस 8 करेंगे, देखो 395 अगर 8 ऐड करेंगे हम तो 403 हो जाएगा, 403 और पहले का 10, यानी आंसर होगा 10403। तो आप चेक कीजिए कहीं पे है 10403, नहीं सर कहीं भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर होगा नन ऑफ दीज। चेक कर लीजिए, बड़ा सिंपल प्रोसेस, पहले वो नंबर निकालो जो डिविजिबल है। वो कैसे निकालोगे? एलसीएम के जरिए, और जैसे ही एलसीएम आ गया उसमें 8 इंक्रीज कर दो, तभी तो इसमें से माइनस करके वो नंबर मिलेगा जो इनसे डिविजिबल है। तो ये भी क्वेश्चन, कैलकुलेशन अगर ठीक ठाक कर लोगे तो 40 से लेके 50 सेकेंड, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि कोई भी कंपनी, इसके पहले हमने टीसीएस का डिस्कस किया था, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं मिल रही है जिसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आप 30 से 40 सेकंड में सॉल्व ना कर लो, और खुद से करोगे तो ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि दिक्कत यह है कि एप्टीट्यूड के नाम पे बच्चों को ये लगता है कि सर बहुत बड़ा करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो कंपनी एप्टीट्यूड है वो बड़ा लिमिटेड है, हर टॉपिक में गिने चुने 10 से 12 क्वेश्चन है, बार बार वही रिपीट होता है। तो मेरा जो ऑफलाइन बैच चलता है एप्टीट्यूड का, 45 डेज तक चलता है, 45 डेज में सब मिला के लगभग 30 टॉपिक है मैथ्स और रीजनिंग के, वो मैं पूरा कवर करवा देता हूँ। यकीन मानिए जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको उस बैच में,
उसके बाहर से एक क्वेश्चन, एक लॉजिक, एक कंसेप्ट भी नहीं पूछती कंपनी एप्टीट्यूड। बहुत सिंपल है, लेकिन खुद से करने जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा सर कितना पढ़ना है। पता चला कि प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है और आप 200 क्वेश्चन लेके बैठे हो, जरूरत ही नहीं है। 15 से 20 गिने चुने क्वेश्चन है, उतना भी कर लोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 30 सेकंड इसके लिए भी बहुत है, मोर देन सफिशियंट है 30 सेकंड। आइए समझते हैं जरा। अ टैप कैन फील अ बकेट इन 6 आवर्स। कोई टैप है जो 6 घंटे में भर देता है। आफ्टर हाफ द बकेट इज फील्ड, 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन्ड। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फील द बकेट कंप्लीटली। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बेहद सिंपल क्वेश्चन। मान लो टैप ए है जो पूरा का पूरा भरने में 6 घंटा लगाता था, पूरा का पूरा भरने में 6 घंटा। क्या हुआ कि आफ्टर हाफ द बकेट इज फील्ड। एक बात बताइए, अगर पूरा का पूरा 6 घंटे में भरता है, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा 6 घंटे में भरता है तो हाफ टैप भरने में कितना टाइम लगेगा? हाफ टैप भरने में सर 3 घंटा लगेगा। मतलब ए ने 3 घंटे तक काम किया और हाफ टैप भर गया। ए ने 3 घंटे तक काम किया और हाफ टैप भर गया, ठीक। और हाफ भरने के बाद बोल रहा है कि 3 मोर सिमिलर टैप्स, 3 मोर सिमिलर टैप्स, ध्यान से समझिएगा, 3 ऐसे ही टैप्स और ओपन कर दिए हमने। तो भाई ए तो पहले से ही था, 3 और लगा दिए, मतलब अब कितने टैप चल रहे हैं? 4 टैप। मुझे एक बात बताइए, अगर इफिशंसी आप बढ़ाओगे, अगर इफिशंसी आप बढ़ाओगे तो टाइम तो अपने आप कम हो जाएगा। भाई आधा भर चुका है, आधा और भरना है ना, तो मुझे बताइए इफिशंसी कितनी बढ़ी? सर इफिशंसी 4 टाइम हो गई, पहले सिंगल टैप था अब 4 टैप है, तो टाइम उसका इनवर्स हो जाता है। याद रखिए कि जैसे इफिशंसी बढ़ते हैं टाइम कम हो जाता है। अगर ज्यादा लोग भरने के लिए लगाएंगे तो टाइम और रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हाफ टैंक भरने के लिए ए 3 घंटा लगाता है तो 4 गुना इफिशंसी हो गई कि नहीं हुई? 4 टैप आ गए, 4M नहीं है, 4A है। 4 टैप अगर हमने ले लिया तो भाई टाइम अब क्या लगेगा? सर टाइम 3 का 1/4 लगेगा। 3 का 1/4 मतलब कितना? 3 का 1/4 करोगे तो 3/4 आवर्स लगेगा। अच्छा 3/4 आवर्स को कितना लिख सकते हैं पता है? 3/4 आवर्स का मतलब है कि 60 मिनट का 3/4 पार्ट, यानी 45 मिनट। तो मुझे बताइए, पहला हाफ भरने के लिए 3 घंटा, बाकी का हाफ भरने के लिए 45 मिनट, यानी टोटल टाइम लगा 3 आवर्स 45 मिनट। यही हमारा आंसर है। देखो 20 सेकेंड वर्बल क्वेश्चन है, 3 आवर्स 45 मिनट कहाँ पे? 3 आवर्स 45 मिनट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों। देखिए यही आंसर है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए, बोल रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरीज अनेबल अ पर्सन टू परचेस 12 मोर फॉर ₹15। अब पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, एक आदमी रोज 15 रुपए के स्ट्रॉबेरीज खरीदता था, रोज 15 रुपए के स्ट्रॉबेरीज खरीदता था, लेकिन आज प्राइस में 20% का रिडक्शन हो गया। तो भाई लॉजिक ही यही है कि जब चीजें महंगी होती हैं, चीजों का प्राइस बढ़ता है तो आप सामान कम खरीद लेते हो, और जब चीजें सस्ती होती हैं तो आप सामान ज्यादा खरीदते हो। जैसे आम 2 महीने पहले बहुत महंगे थे तो आप कम खरीदते थे, अभी बहुत सस्ते हैं तो आप ज्यादा खरीदोगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि सर रुपीज हमेशा उसके कंजम्पशन का इनवर्स होता है। रुपीज कंजम्पशन का क्या होता है बच्चों? इनवर्स होता है। अब एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं कि 20 सेकंड में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में 4 चीजें पूछेगा। पहला पूछेगा ओल्ड प्राइस, दूसरा न्यू प्राइस,
तीसरा पूछेगा ओल्ड क्वांटिटी और चौथा पूछेगा न्यू क्वांटिटी। एक ऐसा ट्रिक बताता हूं आपको कि चारों चीजें एक साथ आपको पता चल जाएंगे। आइए समझते हैं। देखो ध्यान से, 20% रिडक्शन का मतलब 1/5 का रिडक्शन, रुपीस की बात कर रहा हूं। 1/5 का रिडक्शन मतलब पहले 5 रुपए का बिकता था, अब 4 रुपए का मिलने लग गया। ये है बच्चों न्यू और ये है ओल्ड, ठीक है। तो अगर ₹5 से 4 हो गया तो उसका जो कंजम्पशन, अभी अभी समझाया कि सर इनवर्स हो जाता है, इनवर्स का मतलब पहले 4 था अब हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, मतलब पहले 4 स्ट्रॉबेरीज खरीदता था तो 5 खरीदेगा। बताइए स्ट्रॉबेरीज कितना एक्स्ट्रा खरीदा उसने? सर 1 स्ट्रॉबेरी एक्स्ट्रा खरीदा उसने, और एक्स्ट्रा की वैल्यू कितनी है, 12। 1 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 48 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 60। तो बच्चों ये क्वांटिटी आ गई कि पहले पहले 48 स्ट्रॉबेरीज खरीदता था लेकिन अब 60 स्ट्रॉबेरीज खरीदता है। क्या आ गया, ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी 48 और न्यू क्वांटिटी आ गई 60, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइस ऑफ 16 स्ट्रॉबेरीज बिफोर रिडक्शन ऑफ द प्राइस। बिफोर रिडक्शन ऑफ द प्राइस, भाई बिफोर रिडक्शन का मतलब आपसे ओरिजिनल वाला प्राइस पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो 48 60 स्ट्रॉबेरीज वो खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है? 15 में ही खरीद रहा है। पहले 15 रुपए में 48 खरीदता था, अब 15 रुपए में 60 खरीद रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर 48 स्ट्रॉबेरीज 15 में खरीद रहा है, ध्यान से समझिएगा, पुराना प्राइस 48 स्ट्रॉबेरीज अगर वो 15 में खरीद रहा है तो 16 स्ट्रॉबेरी कितने में खरीदेगा? ऐसा क्या करूं कि 48 16 बन जाए? ऐसा क्या करूं कि 48 16 बन जाए? कुछ नहीं करना है, बस इसको इसको शायद 3 से डिवाइड कर देना है। इसको 3 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। यानी 16 स्ट्रॉबेरीज आप 15 रुपए में खरीद रहे हो, 5 रुपए में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? देखो यही बी ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो एक ही तरीके से सब कुछ आ गया, यानी ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड आपको लगेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में खत्म हो जाएगा, बहुत ध्यान से देख लीजिए। आइए समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इन अ बैग टू दैट ऑफ ब्लैक बॉल इज 1:2। तो व्हाइट और ब्लैक बॉल का रेशियो 1:2 हुआ, ठीक है, 1:2 हो गया। इफ 9 ग्रे बॉल, ध्यान से समझिए, अभी ग्रे बॉल तो है ही नहीं हमारे पास इसमें। 9 ग्रे बॉल्स आर एडेड, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट ब्लैक एंड ग्रे कितना हो गया, 2, 4 और 3। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स वेयर इन द ब्लैक बैग। मुझे एक बात बताइए, यहां तो ग्रे बॉल थे नहीं, यहां पे तो ग्रे बॉल थे ही नहीं। जितना ग्रे बॉल आप ऐड करोगे उतने ही ग्रे बॉल ये हैं। यहां पे ग्रे बॉल का सर क्वांटिटी कितना है, 3, और आपने ऐड कितना किया सर, 9। यानी इसी 3 की ही तो वैल्यू 9 है,
तीन गुना है कि नहीं है? तीन गुना है। बाकी व्हाइट और बॉल तो हमने नहीं मिक्स किए ना, ग्रे बॉल हमने ऐड किया, तो रेशियो ग्रे का 3 है, 3 की वैल्यू 9, 3 गुना है। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स वेयर इन द बैग, ब्लैक बॉल कितने हैं? सर इसको भी 3 गुना बना लीजिए तो आ जाएगा 12। यही आंसर है, यही आंसर है, चेक कर लीजिए। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ध्यान से देखिए, 20 से 30 सेकंड का पूरा आंसर है, बिल्कुल अच्छे से देखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप पीसीएमसी पुणे आकुड़ी के आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो हमारा जो ऑफलाइन का बैच है एप्टीट्यूड का, वो डेफिनेटली ज्वाइन करो। किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड निकलवाने की गारंटी है मेरे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 30 से 40 सेकंड में आप सॉल्व ना कर सको। देखो खुद से होगा नहीं, सीरियस नहीं हो तो आपके 2, 4, 5 कंपनियों के चांस अगर मिस हुए, आपका 1-1.5 साल बर्बाद हो सकता है। तो एप्टीट्यूड बहुत सीरियस लो, हर बड़ी कंपनी बिना एप्टीट्यूड के आपको नहीं लेगी। अरे 3-3.5 लाख पैकेज देने वाली कंपनी भी आपको एप्टीट्यूड पूछती ही पूछती है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कॉलेज में एप्टीट्यूड का क्या कंडीशन है। एप्टीट्यूड के नाम पे फीस तो लेते हैं आपको, लेकिन 5 से 6 लेक्चर में पूरा एप्टीट्यूड खत्म कर देता है। तो डेफिनेटली भाई एप्टीट्यूड का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। जो बच्चे आसपास नहीं है, बाहर के हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेस कर लीजिए। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है। रिकॉर्डेड बैच में फायदा ये हो जाएगा कि आप चाहो तो 20 दिन में ही सब कुछ खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत सही क्वेश्चन है। टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन। जनरल मेथड से करोगे 3 से 4 मिनट चला जाएगा, 30 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा आप बड़े ध्यान से देखना। असम ऑफ 312, टोटल 312 रुपीज है, कितना समय बच्चों? 312 वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग 100 बॉयज, 100 बॉयज में डिवाइड किया गया। ठीक, 100 बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब 100 बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला के दिए गए हैं, 100 बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। इन सच अ वे दैट बॉयज गेट 3.6 एंड ईच गर्ल्स गेट 2.4 द नंबर ऑफ गर्ल्स। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है बच्चों, बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला के कितने हैं? 100। बॉयज को मिल रहा है 3.6, गर्ल्स को मिल रहा है 2.4। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओवरऑल सबको कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे 100 लोगों में 312 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 312 रुपए। अगर 100 लोगों में आप बांटोगे तो ओवरऑल सबको मिलेगा 3.12, यानी ओवरऑल जो 3.12 है आप यहां लिख दीजिए 3.12। यही एलिगेशन का सही तरीका है। माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटा माइनस होगा, 3.6 312 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 0.48, और अगर इसको माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा सर 0.72। अगर डेसिमल हटा दूं मैं तो सीधे सीधे 24 से डिविजिबल है, यानी रेशियो आ जाएगा 3:2। किसका रेशियो? सर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। अगर बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, तो 100 लोगों में 3:2 का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, 3 और 2 मिला के कितना बनेगा? 5। 5 की वैल्यू 100 मतलब 20 टाइम है। गर्ल्स पूछा गया है तो 2 को भी 20 टाइम बना लीजिए, आंसर आ जाएगा 40। देख लीजिए 30 सेकंड से ज्यादा का आंसर नहीं है, बस जरूरत है सीखने की। अगर अच्छे ट्रेनर से, अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख लोगे, तो किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड हो बड़े आसानी से क्लियर कर लोगे। और बच्चों याद रखो, एप्टीट्यूड अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कभी भी किसी बड़ी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए एप्टीट्यूड को बहुत सीरियस लो मेरे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन जनरल मेथड से करोगे तो कम से कम 5 मिनट लगेगा, लेकिन 30 सेकंड में पूरा क्वेश्चन ही उड़ा देंगे। आइए समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5। देखो अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो नया वाला पर्सन आया है वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा लेके आया है, तभी तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, व्हेन अ न्यू पर्सन
कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन। ध्यान से समझिएगा कि आठ लोग थे, 4, 5, 6, 7, 8, इन सब में 2.5, 2.5, 2.5 का इंक्रीमेंट हो गया। सब में कितने कितने का? 2.5 का। एक में 2.5 यानी आठ लोगों में कितना हुआ होगा? आठ लोगों में सर 20 kg का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, आठ लोगों में मिला के 20 kg का इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा, क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कोई एक पर्सन ऐसा था जिसका वेट था 65 kg, इसकी जगह पे दूसरा पर्सन आया, मतलब न्यू पर्सन आया। अब ये वर्बल क्वेश्चन है, कंसेप्ट ये है कि सर अगर एवरेज बढ़ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि नया वाला पर्सन पुराने वाले पर्सन से एक्स्ट्रा लेके आया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले नए वाले पर्सन को भी उतना ही दो जितना कि पुराने वाले का था। तो नए वाले का भी मान लिया 65 kg था। अब नए वाले के आने से क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि सर 20 kg सबका बढ़ गया। 20 kg लोगों में बढ़ेगा कब? जब वो एक्स्ट्रा लेके आएगा। मतलब नया वाला पर्सन 20 kg और एक्स्ट्रा लेके आया था, यानी उसका वेट होगा मेरे बच्चों 85 kg। यही हमारा आंसर है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड लगेंगे। आप इसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे, वर्बली सॉल्व हो जाएगा ये। देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया गया है। मैं पहले ही बताऊं कि ऑप्शन टाइप करने में उन्होंने गलती कर दी है। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे बच्चों जनरल मेथड से कम 20 मिनट खा जाएगा। कितना भी फास्ट करो 10 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 30 सेकेंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बहुत आसानी से। आइए समझते हैं। अ शॉपकीपर गिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। मतलब पहले 20% दिया, फिर जो आया उसमें 10% और दे दिया। फर्दर ही ऑल्सो गिव 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उसके बाद जो बचा है फिर से उसमें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। कब? जब कैश में कोई चीज खरीदी जाएगी। अब एक पर्सन आया, बाय अ शर्ट फ्रॉम द सरप्लस स्टॉक, ये सरप्लस स्टॉक का ही डिस्काउंट है, एंड पे इन कैश, कैश में भी दिया, यानी उसको टोटल डिस्काउंट कितने का मिला? 20%, फिर उसमें 10%, फिर उसमें 5%। मतलब कोई चीज थी पहले 20% कम किया, जो बचा उसमें 10% कम किया, जो बचा फिर 5% कम किया। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितने का? बड़ा सिंपल है। देखो 20% का मतलब होता है 1/5 का डिस्काउंट, और इसका मतलब होगा कि 5 की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट देके 4 में बेच दी गई। 10% मतलब 1/10 का डिस्काउंट, इसका मतलब है 10 की चीज 1 का डिस्काउंट देके 9 में बेची गई। और 5% का मतलब होता है 1/20 यानी 20 की चीज 1 का डिस्काउंट देके 19 में बेच दी गई। कर लो मल्टीप्लाई। देखो मैं 4 से 20 को कैंसिल करूंगा, आ जाएगा 5। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 250 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19 9 171। ठीक, यानी 250 रुपए की चीज पे 171 दिया जा रहा है। तो बताइए डिस्काउंट कितने का? अगर 250 की चीज आपको 171 में मिल जाए तो सर डिस्काउंट हमारा आ जाएगा 79 का। तो बताइए 79 इसका कितना परसेंट है? सर 79 250 का कितना परसेंटेज है निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा 75 का डबल, 158 डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 5 1 5.2 यानी 31.2, और सॉरी ये 8 है, 5 3 15, उसके बाद 5 1 5, 5 6 30, 31.6% का ओवरऑल डिस्काउंट आएगा। इसका ऑप्शन गलत है, कहीं पे इसको 31.6 लिखना चाहिए था। 31.6% का डिस्काउंट है बच्चों। तो आप देखो एप्टीट्यूड का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने 30 से 40 सेकंड में सॉल्व ना किया हो। ठीक,
तो आज की कहानी बच्चों ये कॉग्निजेंट के क्वेश्चन की यहीं खत्म करते हैं। अगर आप पीसीएमसी आकुड़ी के आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो हमारा एप्टीट्यूड का ऑफलाइन बैच दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो, और अगर आप पीसीएमसी के बाहर हो तो मेरा रिकॉर्डेड बैच जो मेरे एप्लीकेशन पे पड़ा है, एप्लीकेशन का लिंक और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। गारंटी है किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।